है बात रहेगा कि आज का जो फाइनल मुकाबला बमकासा के मैदान में कौन सा टीम ले पाती है। चलिए पहला पेनल्टी किक लेने के लिए तैयार मुकुंद के खिलाड़ी और उसी के साथ एक जीरो की बढ़त बना चुकी है। रखी गई है 41,001 रुपया 75 रुपया रखी गई है 14,50,15,000 और उसके साथ 40+ के लिए भी बहुत खुशी की और उसमें से दो कंसी 2,500 रुपया जाएगा 40+ का लिए 30 रहेगा 3,500 रुपया और उसी के साथ 11 एफसी के खिलाड़ी गोलकीपर गोल को सेव करने में कमी होती है और देखना होगा 11 एफसी के खिलाड़ी गोल की लेने के लिए तैयार है और अगर यहाँ पे गोल को करने में कमी होती है तो निश्चित रूप से 11 एफसी 2-1 की बात ब्रांड में कमी हो पाएगी। मजबूत बढ़त के साथ अपना टीम को बनाए हुए हैं 11 मैच से मैदान में अपना अपने डांस कराए हैं तो ध्यान देंगे कार्यक्रम की तरफ से वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया गया है। प्रथम पुरुष का 7,000 द्वितीय पुरुष का 4,000 रुपया और उसके बाद साइकिल रेस का आयोजन किया गया है। इसमें प्रथम पुरुष का 5,000 और द्वितीय पुरुष का 8,000 रुपया और चलिए मैदान के बीचों बीच में ले जाते हैं और इतने शानदार तरीके से नेट को गोल पोस्ट में उलझाने में कामयाब होते हुए लोगों को दिख रहा है और उसी के साथ दो दो विजेता खिलाड़ी विजेता टीम के रूप में हमारे बीच ऊपर के सामने आएगी। आप अंतिम किक देखने वाली बात रहेगा और यहाँ पर किक लेने के लिए जाती हुई 11 वर्षीय के खिलाड़ी बाबा नंबर यह अंतिम शॉट रहेगा। अगर यहाँ पे अगर गोल करने में कमी होती हो पाती है तो इस 5 साल का चैंपियन हमारे बमकासा के मैदान के बीचों बीच देखने को मिलेगी। गोल कीपर गोल को बचाने में कमयाब होती है
बहुत रोमांचक मुकाबला खेल के दावे हम देखे गए पर 21, 22, 23 और 24 सितंबर का बता दिया गया है। चलिए अभी अभी तीन दिन की नंबर सोल्ड आउट होने के बाद सारे देश के द्वारा इसका फैसला लिया जाएगा। गोलकीपर को गोलकीपर लेने के लिए तैयार और इसी के साथ नगेंद्र दास के द्वारा बॉल को बाहर निकालने का प्रयास होते हैं, बचाने का प्रयास होते हैं। अब देखना होगा हमारे ग्यारह वर्षीय के टीम की तरफ से जो महत्वपूर्ण पेनल्टी किक ग्यारह वर्षीय की तरफ से गोल की खेलने के लिए जाते हुए और अगर हमारे ग्यारह वर्षीय की तरफ से ये गोल अगर हो पाती है गोल का निर्माण हो जाते हैं तो इस साल का चैंपियन के रूप में हमें देखने को मिलेगी। चाली के साथ हमारे आंखों देखा सुनाने के लिए पुनः मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मोहन का सोच क्या नहीं यहाँ पे विश्वास लोगों को के बोल की पास इतना रोमांचक मुकाबला मानो ऐसे लग रहा है वर्ल्ड कप का फाइनल जो देखने को मिली थी। खेल के दौरान चलिए लोगों को वही अपने लोगों को तो गए खिलाड़ी गोल की करने के लिए तैयार क्या ले इसी के साथ यह भी गोल का निर्णय का वह होते हैं तरफ तो वाल पकड़ा कर गोल से भी बाहर निकल के लिए जाते हैं जा रहा है 10 नंबर खिलाड़ी तीन पेनल्टी शूट आउट दो होने के बाद ये पांचवा शूट आउट है पांचवा पेनल्टी शूट आउट है और पहले से लुकोबुटो की टीम गोल करने में नाकाम हुई है तो देखना देखने वाली बात रहे हैं कि ग्यारह वर्ष के खिलाड़ी अगर यहाँ पे गोल करने में काफी कामयाब हो पाती है। मैदान के बाहर बोल जाती हुई पांच पांच पेनल्टी शूट आउट के बाद भी दोनों टीम बनी हुई है मैच में। और साथ में वॉलंटियर ध्यान देंगे जो गोल गोल होज है सर बाहर चली गई है कृपया करके जल्द से जल्द गोल उपलब्ध करा देंगे। चलिए पांच पांच पेनल्टी दो होने के बाद छठा पेनल्टी लेने के लिए तैयार लुकोमोटो की तरफ से और गोलकीपर पूरी अपना ताकत झोंक देते हैं गोल को बचाने के लिए लेकिन गोल करने में कमयाब होती हुई लुकोमोटो के खिलाड़ी चले जितने भी प्राइज पहनकर टीम बने हुए हैं कृपया करके हमारे कमेटी परिवार चैलेंज निकाल करेंगे 40+ से बूढ़े हर बड़े बूढ़े वाले तक और साथ में एक गेस्ट भी बने होगा 40+ के दोनों टीम जो प्राइज के हकदार बने हुए हैं बूढ़े हर वाले तक और साथ में एक गेस्ट भी बने होगा दोनों टीम के टीम कैप्टन एवं टीम मैनेजर हमारे कमेटी में रहोगे चला निकास करेंगे
और उज्बेकिस्तान जयराम एफसी के खिलाड़ी सुना पेनल्टी शूटआउट रहने के लिए तैयार। चलिए इसी के साथ ड्रॉ करने में अपना कामयाब होते ही जा रहा है और पुनः गोल किक लेने के लिए अपना खिलाड़ी को भेजेंगे हमारे लोकोमोटिव के खिलाड़ी टीम। अब देखना होगा कहां तक अपना टीम के लिए गोल कर ले जाते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। अभी तक देखा जाए तो दोनों टीम के खिलाड़ी कम नहीं अपने आप को जो तीन टीम पेनल्टी शूटआउट के दरमियान भी ड्रॉ करके अभी जो सेवन डेट चल रही है और अभी तक दोनों टीम बनी हुई है अपना टीम को चैंपियन बनाने के लिए। अभी अपना पेनल्टी किक लेने के लिए तैयार खिलाड़ी। इसी के साथ बचाने में कामयाब होती हुई हमारे जयराम एफसी के गोलकीपर तैयाराना होगा को और यहाँ पर अगर जयराम एफसी के 11 नंबर खिलाड़ी के गोल डालने में कामयाब होती है तो निश्चित रूप से आज के मामले हो सकता कि ऐतिहासिक मैदान में आज का जो विजेता टीम के रूप में हमारे सामने उभर कर आएंगे जयराम एफसी। लेकिन यहाँ पे विजेता टीम बनने से पहले यहाँ पे गोल करना बहुत जरूरी है और सदन बैठ की आज का जो पेनल्टी शूटआउट में 11 नंबर खिलाड़ी किक लेने के साथ ये भी गोल चलेंगे आउट लाइन से बाहर। कुल मिला के छठा पेनल्टी शूटआउट हो ये भी बाहर जाती हुई और हमारे दर्शक मैदान में बने हुए हैं आज का जो चैंपियन टीम को देखने के लिए। जहां लगता है उस खेल दर्शकों को भी तरसना पड़ेगा क्योंकि खेल के दरमियान जो सिलेसन एक बराबरी पर छुपी हुई थी और पेनल्टी शूटआउट के दरमियान भी कोई निर्णय अभी तक कोई नतीजा अभी तक आई नहीं है। इसीलिए कुछ देर तक हमारे दर्शकों को बने रहना होगा तो आज का चैंपियन का आज का चैंपियन का टीम जब हम देखना चाहते हैं तो लोगों को लोगों की लाइन शानदार तरीके से गोल को नेट में उजाले में कमेंट होती हुई सरेंडर में चले दो नंबर खिलाड़ी किक लेने के लिए तैयार जयराम एफसी। पेनल्टी शूटआउट में बिल्कुल बाहर मार दी है जयराम एफसी के खिलाड़ी और इसी के साथ आज का जो विजेता टीम के रूप हमारे सामने उभर कर आए हैं